नमस्कार, NIOS की इस विशेष प्रसारण में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर जैन बालिया आपके सामने, आज हम चर्चा करेंगे विशेष आवश्यकता वाले बालकों के बारे में। हमारे बीच डॉक्टर अखिलेश कुमार, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा से आए हुए हैं। ये विशेष आवश्यकता वाले जो बालक हैं उनकी विभिन्न श्रेणियां क्या हैं और उन श्रेणियों की हम एक निर्णय कैसे लेते हैं कि कौन सा बालक किस श्रेणी में आता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ इस पर भी चर्चा करेंगे कि किस तरह के उनके लिए प्रयोजन किए जाएं। मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर अखिलेश कुमार जी का। नमस्कार सर। सर्वप्रथम डॉक्टर अखिलेश, हम जानना चाहेंगे कि जो विशेष अवस्था वाले बालक हैं उनकी श्रेणियों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन विस्तार में मैं चाहूँगा कि आप इनकी श्रेणियों की बात करें कि कितनी किस प्रकार की श्रेणियाँ होती हैं, और उसके बाद हम चर्चा इस पर भी करेंगे कि उन श्रेणियों की पहचान कैसे की जाती है। डॉक्टर अखिलेश, पहले श्रेणियों की बात की जाए। जी, जैसा कि डॉक्टर वालिया ने बताया कि विशेष आवश्यकता वाले बालक कौन कौन से हैं, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो हम एक बार रिकैप कर लें कि इससे पहले जो हमने चर्चा की थी कि निःशक्तजन अधिकार कानून के अनुसार, जो निःशक्तजन अधिकार कानून 2016 आया है, उसके अनुसार कुल 6 बृहद श्रेणियाँ रखी गई हैं निःशक्तता की, जिसमें 21 प्रकार की निःशक्तता का वर्णन किया गया है। ये 21 प्रकार की निःशक्तताएँ हैं और ये 6 श्रेणियाँ जो हैं वो शारीरिक अक्षमता, बौद्धिक अक्षमता, मानसिक रुग्णता, अक्षमता जिसका कारण गंभीर न्यूरोलॉजिकल विकार या रक्त विकार हो, बहुविकलांगता और कोई अन्य अक्षमता जिसको कि संसद ने समय समय पर नोटिफाई किया हो, ये 6 श्रेणियाँ रखी गई हैं। इसके अलावा इन 6 श्रेणियों में जो विभिन्न प्रकार की निःशक्तताएँ रखी गई हैं उनमें कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से या सेरेब्रल पाल्सी उसको कहिए, सेरेब्रल पाल्सी से प्रभावित व्यक्ति, ड्वार्फिज्म से प्रभावित व्यक्ति, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से प्रभावित व्यक्ति, एसिड अटैक से प्रभावित विक्टिम्स, ब्लाइंडनेस या दृष्टि बाधित व्यक्ति और लो विजन वाले व्यक्ति, साथ ही डेफ व्यक्ति या बधिरता युक्त जो बालक हैं वो, और श्रवण कठिनाई हार्ड ऑफ हियरिंग वाले व्यक्ति, बौद्धिक अक्षमता, अधिगम अक्षमता, ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, मानसिक रोग, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसन डिजीज और 3 प्रकार के रक्त विकार, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और सिकल सेल डिजीज। इसके अलावा 5वीं बड़ी श्रेणी जो है बहुविकलांगता की रखी गई है, जिसमें कि 1 से ज़्यादा अक्षमता समाहित होते हैं, और 6ठा है कि अगर संसद चाहे, उसको लगता है कि कोई नई अक्षमता सामने आ रही है तो उसको नोटिफाई कर सकती है संसद, और वो उस नोटिफिकेशन के दिन से प्रभावी होगा एक श्रेणी के रूप में। डॉक्टर अखिलेश, आपने बालकों की जो अक्षमता है या उनकी जो एक निःशक्तता है उसकी बात करी, और प्रश्न यहाँ पर एक बहुत खास आता है कि हम जब किसी निःशक्तता की बात करते हैं या उसके अक्षमता की बात करते हैं तो उसको परिभाषित करना बहुत आवश्यक है। जी, क्योंकि अलग अलग स्तर पर हमने देखा है कि जब किसी बच्चे को किस तरह का उसको प्रयोजन दिया जाए, किस तरह का उसके लिए प्रबंध किया जाए और किस तरह का कक्षा में उसके लिए एक प्रोग्राम्स दिए जाए, तो मैं जानना चाहूँगा आप चर्चा करें इसके बारे में कि किस किस तरह की परिभाषाएं दी गई हैं और वर्तमान में हम किन परिभाषाओं को लेकर चल रहे हैं। जैसा कि आपने बताया वालिया सर कि परिभाषा जो है बहुत महत्वपूर्ण होती है। परिभाषा महत्वपूर्ण इसलिए होती है कि परिभाषा के आधार पर ही हम उन लाभों को निःशक्तता युक्त बच्चों तक एक्सटेंड कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं, जो कि उस परिभाषा के दायरे में आते हैं। अगर वो परिभाषा के दायरे में नहीं आते तो हम वे लाभ जो एक विशेष समूह के व्यक्तियों को दिए जाने का कानूनी प्रावधान है वो हम उनको एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो नीति निर्धारण हेतु जितने भी निःशक्तता युक्त बालक हैं, विशेष आवश्यकता युक्त बालक हैं, उनके लिए नीति निर्धारण हेतु सबसे पहले उसकी परिभाषा आवश्यक है कि आखिर किस अवस्था को इस निःशक्तता की श्रेणी विशेष में रखा जाए। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं, जो पहली श्रेणी है वो है शारीरिक अक्षमता की। शारीरिक अक्षमता में एक जो उपश्रेणी बनाई गई है वो चलन संबंधी अक्षमता है, जो कि हमारे निःशक्त जन अधिकार कानून 2016 के अनुसार चलन संबंधी अक्षमता एक व्यक्ति की स्वयं
अथवा अन्य वस्तुओं के परिचालन से संबंधित विभिन्न कार्यों को संपन्न करने संबंधी अक्षमता को जो अस्थि पेशीय मस्कुलर स्केलेटल अथवा हमारे नर्वस सिस्टम से अथवा दोनों के विकृति के कारण होता है उसको हम कहते हैं शारीरिक अक्षमता। कहने का मतलब चलन संबंधी अक्षमता या लोकोमोटर डिसेबिलिटी में उन कंडीशंस को रखा गया है जिसमें कि मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम प्रभावित हो जिसकी वजह से हमें चलने में दिक्कत आ रही हो या हमारा नर्वस सिस्टम प्रभावित हो या हमारे दोनों प्रभावित हों दोनों में कुछ ऐसे विकार हों जिसकी वजह से आदमी का चलना फिरना किसी वस्तु को उठाना ले जाना ये सारी चीज़ें गामक क्रियाएँ अगर प्रभावित होती हों तो वो चलन संबंधी अक्षमता है। इसमें डॉक्टर क्लेश मैंने देखा है कहीं कहीं कुछ प्रतिशत की बात भी होती है जी उस परसेंटेज के जब आपने लोकोमोटर डिसेबिलिटी की बात की है क्योंकि वैसे ही प्रबंध और कहीं कहीं बच्चों को बालकों के लिए छात्रवृत्तियाँ भी होती हैं तो वहाँ पर प्रश्न आता है शायद कुछ परसेंटेज भी ऐसा कुछ प्रतिशत भी होता है कुछ निर्धारित होता है इस बारे में। जी हाँ जैसे हमारा जो कानून है वो 40% या अधिक किसी भी अक्षमता के केस में 40% या अधिक की अगर अक्षमता है बच्चे में तो वो माना जाता है कि वो सभी विशेष सेवाओं के लिए एलिजिबल है। अगर इससे कम की अक्षमता है तो वो विशेष सेवाओं के लिए योग्य नहीं माना जाता है। इसमें दूसरा जो चलन अक्षमता में रखा गया है वो उन व्यक्तियों को रखा गया है जो कुष्ठ रोग से मुक्त हो चुके हैं। कुष्ठ रोग हमारे स्नायु तंत्र के साथ साथ हमारे चलन अंगों को भी प्रभावित करता है तो कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति की परिभाषा अगर हम देखें अपने निःशक्त जन अधिकार कानून 2016 में तो कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसका कुष्ठ रोग ठीक हो चुका है परंतु उसके हाथ और पांव की संवेदना अथवा आँखों की संवेदना समाप्त हो चुकी है या उसमें इतनी चलन शक्ति शेष है कि वो अपनी आजीविका संबंधी कार्य कर सके। उसके हाथों की संवेदना पाँव की संवेदना समाप्त हो चुकी है आँखों की संवेदना समाप्त हो चुकी है परंतु इतनी शक्ति शेष है कि कोई आजीविका संबंधी कार्य वो कर सके वो हो सकता है। इसके अलावा ऐसा हो सकता है कि कुष्ठ रोग के कारण व्यक्ति में गंभीर विकृतियां हो चुकी हैं और उसकी आयु भी ज़्यादा हो चुकी है तो वो कुछ काम करने की स्थिति में नहीं है उसे भी कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति की अक्षमता की श्रेणी में हमारा कानून मानता है। जो दूसरा कंडीशन रखा गया है वो है सेरेब्रल पाल्सी का। सेरेब्रल पाल्सी का सामान्य तात्पर्य है कि यह एक नॉन प्रोग्रेसिव कंडीशन है एक बार जो आ गया वो फिर बढ़ता नहीं है उसकी गंभीरता बढ़ती नहीं है तो इससे सेरेब्रल पाल्सी से तात्पर्य उन अप्रगतिशील स्नायु विकारों के समूह से है जो शरीर के परिचालन एवं पेशियों के समन्वय को प्रभावित करते हैं जिसका कारण मस्तिष्क के किसी भाग का क्षतिग्रस्त हो जाना है और जो सामान्यतः जन्म के पूर्व जन्म के समय जन्म के तुरंत बाद प्रारंभ हो जाता है। ध्यान दें कि सेरेब्रल पाल्सी जो है वो या तो जन्म से पहले हो जाता है माँ के गर्भ में या जन्म के समय कोई कॉम्प्लिकेशन आई तो हो जाता है या जन्म के तुरंत बाद बच्चे का जो ब्रेन का स्पेसिफिक एरिया है जो हमारे मोटर को कंट्रोल करता है वो विकसित हमारे मूवमेंट को कंट्रोल करता है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है। इसकी वजह से कई बार उसका गर्दन एक तरफ गिरा हुआ वो गर्दन नहीं संभाल पाता कई बार हाथ पाँव से काम नहीं ले पाता है जिस भी शरीर के भाग का कनेक्शन ब्रेन से कट जाता है या ब्रेन का जो भाग क्षतिग्रस्त होता है उसके अनुसार शरीर का वो भाग उसका काम नहीं करता इस कंडीशन को सेरेब्रल पाल्सी कहते हैं। तो ये भी हमारे कानून में चलन अक्षमता में शामिल किया गया है। इसके अलावा शारीरिक अक्षमता में जो तीसरी कैटेगरी है वो है ड्वार्फिज्म या बौनापन और बौनापन को हमारा कानून परिभाषित करता है कि किसी भी कारण से ऐसी आनुवंशिक स्थिति बौनापन का तात्पर्य है जिसमें कि आदमी की हाइट 4 फीट 10 इंच या 147 सेंटीमीटर या उससे कम रह जाती है। ये निर्धारित है जो ये निर्धारित है हाइट जो है वो निर्धारित है 4 फुट और 4 फुट 10 इंच या 147 सेंटीमीटर 147 सेंटीमीटर। तो क्या विद्यालयों में इस तरह का प्रावधान होता है कि इस तरह के बच्चे की हाइट कई बार बच्चे छोटी हाइट के होते हैं मतलब या तो क्या किस आयु के स्तर पर हम इनकी हाइट को उसका आकलन करते हैं क्योंकि हो सकता है कि बच्चा आयु में छोटा हो। जी अगर बच्चा जो आयु में छोटा है लेकिन वो अपने हमउम्र बालकों से जो कि जैसे मान लीजिए 7 साल का एक बच्चा है वो 7 साल के दूसरे बच्चे से कद में कुछ ज़्यादा ही सिग्निफिकेंटली छोटा है अगर तो हमें सस्पेक्ट करना चाहिए कि उसमें बौनापन हो सकता है। इसका मतलब आयु और ऊंचाई के बीच में कहीं ना कहीं कोई ऐसी दिशा निर्देश होंगे
वो जो अनुसार हम ये निर्णय लेते होंगे कि ये बच्चा बौना है या किस तरह का। सर, जो हमारे डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हैं, जो विकासात्मक माइलस्टोन्स हैं कि बच्चा, एवरेज बच्चा जो है इस एज तक आते आते इतनी हाइट का हो जाता है, एवरेज बच्चा इस एज तक आते आते इतने वेट का हो जाता है, उससे तुलना करने में अगर वो बहुत कम हो तो हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि उसमें ड्वार्फिज्म है और उसको फर्दर टेस्टिंग के लिए ले जा सकते हैं। लेकिन ड्वार्फिज्म का बेनिफिट हमारे कानून के अनुसार सिर्फ उसी को मिलेगा जिसकी मैक्सिमम हाइट 4 फीट 10 इंच या उससे कम या 147 सेंटीमीटर से कम हो। अगर इससे ज़्यादा हाइट है तो वो इस बेनिफिट के लिए, किसी भी प्रकार के डिसेबिलिटी के बेनिफिट के लिए एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा जो बीमारियां हमारे शरीर को प्रभावित करती हैं, हमारे परिचालन को प्रभावित करती हैं, उनमें मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक बहुत ही गंभीर आनुवंशिक बीमारी है जो अधिकांशतः मेल मेंबर्स को प्रभावित करती है, क्योंकि यह एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। हमारे अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम एक्स और वाई होते हैं, उनमें एक्स क्रोमोसोम से जुड़ा हुआ विकार होने के कारण यह अधिकांश केसों में, हालांकि कुछ केसों में महिलाओं को भी प्रभावित करता है, परंतु अधिकांश केसों में मेल चाइल्ड जो है इससे प्रभावित होते हैं और ये बहुत ही गंभीर बीमारी है। हमारा कानून जो परिभाषित करता है वो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का तात्पर्य आनुवंशिक मांसपेशीय रोगों के उस समूह से है जो व्यक्ति के गामक पेशियों को कमज़ोर कर देती हैं, और इस प्रकार के व्यक्तियों के जीन में वे सूचनाएं अनुपस्थित होती हैं। बेसिकली ये जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसकी आवश्यकता उन्हें स्वस्थ मांसपेशी के लिए आवश्यक प्रोटीन के निर्माण के लिए होती है। इसके लक्षणों में सतत अस्थिपेशीय कमजोरी, पेशीय प्रोटीन विकृति एवं पेशीय कोशिकाओं एवं ऊतकों का समाप्त हो जाना शामिल है। होता क्या है कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में ये हमारे शरीर में एक डिस्ट्रॉफिन नाम का प्रोटीन प्रोड्यूस होता है। वो डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन जो है हमारे मांसपेशियों के द्वारा उत्सर्जित विषैले पदार्थों को अवशोषित कर लेता है। तो इनमें जो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के जो बच्चे होते हैं उनमें जेनेटिक कोडिंग में इस सूचना का अभाव रहता है जिसके कारण उनके शरीर में डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन नहीं बन पाता, और तब उनकी मांसपेशियों से जो पॉइजन निकलता है, जो पॉइजनस पदार्थ निकलते हैं, वो उनके शरीर में ही रह जाते हैं, और इसकी वजह से उनकी मांसपेशियां और हड्डियां धीरे धीरे गलने लगती हैं। और एक समय ऐसा आता है 20 साल 25 साल जबकि बालक किसी भी काम को करने लायक, उसका पूरा का पूरा परिचलन, उसका पूरा का पूरा गामक कौशल जो है वो ख़त्म हो जाता है, वो कम्प्लीटली बेड बाइंडेड हो जाता है। इसमें भी दो टाइप्स हैं, जैसे ड्यूसिन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है जो कि ज़्यादा गंभीर माना जाता है, बेकस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कम गंभीर माना जाता है। इस पर हम किसी और कक्षा में चर्चा करेंगे, लेकिन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है वो एक अक्षमता की श्रेणी में रखा गया है हमारे कानून में, जो कि हमारे गामक कौशल को बहुत गंभीर रूप से प्रभावित करता है। इसके अलावा जो गामक कौशल में, गामक अक्षमता में रखा गया है या शारीरिक अक्षमता में जो रखा गया है श्रेणी और प्रकार, वो है अम्लीय आक्रमण से प्रभावित व्यक्ति। और अम्लीय आक्रमण से प्रभावित व्यक्ति का तात्पर्य उन व्यक्तियों से है जिनका शरीर अम्लीय या कोई अन्य रसायन के द्वारा किए गए हिंसक आक्रमण से विकृत हो चुका है। आजकल आप देख रहे हैं कि अम्लीय आक्रमण का वो जो है बढ़ रहा है केस, कई जगहों पे लोग चेहरे पे फेंक देते हैं जिससे चेहरे की मांसपेशियां गल जाती हैं, कई बार आंखें ख़राब हो जाती हैं, कई बार हाथ पांव ख़राब हो जाते हैं। ये उस पे डिपेंड करता है कि एसिड की सांद्रता कैसी है। तो जिस शरीर के जिस भाग में ये इसका प्रभाव आ जाता है, नुकसान हो जाता है, तो फिर उसी भाग से संबंधित ही मेरे ख्याल उसकी अक्षमता जी निर्धारण होता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी अक्षमताएँ जो है वो भौतिक या शारीरिक अक्षमता में रखी गई हैं, चूँकि अक्सर एसिड अटैक से हमारे जो शरीर के बाहरी अंग हैं वही क्षतिग्रस्त होते हैं। इसके अलावा जो दूसरी कैटेगरी रखी गई है शारीरिक अक्षमता में, वो है दृष्टिबाधिता की, विजुअल इम्पेयरमेंट की। तो दृष्टिबाधिता से ऐसी दशा अभिप्रेत है जो हमारा कानून परिभाषित करता है कि जिसमें सर्वोत्तम सुधार के पश्चात व्यक्ति में निम्नलिखित में से कोई एक स्थिति हो। पहली स्थिति कि दृष्टि का पूर्णतया अभाव, पूरी तरह से दृष्टि खत्म हो, या सर्वोत्तम संभव सुधार के बाद अच्छी आँख में दृष्टि तीक्ष्णता 3/60 या 10/200 SLN चार्ट तक हो, या तीसरा अधिकतम 10 डिग्री के कोण तक सीमित दृष्टि क्षेत्र हो। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, SLN चार्ट आपने देखा होगा, आपने भी कई बार आँखों का परीक्षण करवाया होगा, तो उसमें कुछ अलग अलग साइज के लेटर होते हैं। ये जो 3/60 का मतलब है, इसका तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जो चीज़
एक सामान्य व्यक्ति 60 मीटर से देख पा रहा हो, उसको देखने के लिए आपको 3 मीटर के दायरे में आना पड़ रहा हो, ये तुलना है। तो उसको हम ब्लाइंडनेस की श्रेणी में, अंधत्व की श्रेणी में रखेंगे। और 10/200 का मतलब इतना है कि जो एक सामान्य व्यक्ति 200 फीट की दूरी से देख सकता हो, उसको देखने के लिए आपको 10 फीट के दायरे में आना पड़ रहा हो, तब ये अंधता में या ब्लाइंडनेस में माना जाएगा। या हमारा एक दृष्टि क्षेत्र भी होता है कि हम अपने सिर को बिना घुमाए हुए अपने दाएं और बाएं किस कोण तक विभिन्न चीज़ों को हम देख सकते हैं। जैसे सिर को हम दाएं बाएं नहीं घुमा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि हम थोड़ा इधर भी और थोड़ा इधर भी दोनों तरफ की चीज़ें देख लेते हैं। तो अगर ये कोण जो है मात्र 10 डिग्री तक सीमित रह जाए, मात्र 10 डिग्री तक, उससे आगे ना हो, तो वो ब्लाइंडनेस की श्रेणी में आएगा। इस केस को, इस अवस्था को, स्पेसिफिक अवस्था को, जब हमारा जो है ये फील्ड ऑफ विजन जो है सीमित हो जाता है, इसको हम कहते हैं टनल विजन। तो जब टनल विजन में हमारे दृष्टि क्षेत्र 10 डिग्री और उससे नीचे तक सीमित हो जाए, तो हम उसको मानते हैं कि वो ब्लाइंड व्यक्ति है या अंधत्व से ग्रस्त व्यक्ति है। अगर अल्प दृष्टि की बात करें, तो अल्प दृष्टि को परिभाषित किया गया है कि सभी संभव सुधार के बाद अगर बच्चे की आँख में जो उसकी दृष्टि तीक्ष्णता है वो 6/18, मतलब जो चीज़ एक सामान्य व्यक्ति 18 मीटर से देख सकता है, उसके लिए आपको 6 मीटर के दायरे तक आना पड़ रहा है। या फिर जो एक सामान्य व्यक्ति 200 फीट से देख सकता है, उसके लिए आपको 10 फीट के दायरे में आना पड़ रहा है। तो इसको पार्शियल साइटेडनेस या लो विजन किस श्रेणी में रखा गया है। डॉक्टर अखिलेश, अभी आप जैसे अभी दृष्टिबाधिता की बात कर रहे हैं कि 6/18 का अगर ऐसा कुछ हो तो उसको हम लोग दृष्टिबाधित छात्र की श्रेणी में या बालक की श्रेणी में या बालिका की श्रेणी में डालते हैं, क्या आप ये भी सजेस्ट करेंगे या सुझाव देंगे कि विद्यालयों में क्या ऐसी सुविधाएँ होती हैं कि हम बच्चे का इस तरह से जाँच कर पाएँ और ये जान पाएँ कि बच्चे में इस तरह का कोई अक्षमता है, चाहे वो दृष्टिबाधित हो, श्रवण बाधित हो, चाहे वो उसका कोई शरीर का कोई अंग हो, उसकी तो जांच हो जाती है, लेकिन अक्सर हम देखते हैं जो हमारे विद्यालय हैं दूरदराज, तो क्या वहाँ पर ऐसी सुविधा होती है? नहीं तो कुछ ऐसे बालक बालिकाएँ तो उन अक्षमताओं के साथ ही पढ़ते होंगे, चाहे उनके अंदर वो 6/18 से ज़्यादा ही कुछ समस्या भी हो सकती है, तो क्या आप सुझाव देंगे इसके बारे में कि ऐसी अक्षमताओं के बारे में जांच की व्यवस्था होनी चाहिए विद्यालयों में? जी जी बिल्कुल, अगर शिक्षक सभी अक्षमताओं की परिभाषा और उसके लक्षणों से अवेयर हों, तो कोई कारण नहीं है कि विद्यालयों में विभिन्न अक्षमतायुक्त बालकों की पहचान न हो सके और उन्हें फर्दर रेफरल के लिए न भेजा जा सके। अगर उदाहरण के लिए देखें कि कोई बच्चा क्लास में बार बार ये शिकायत करता है कि मुझे बोर्ड पर लिखी हुई चीज़ नहीं दिखाई दे रही है, मुझे बोर्ड पर लिखी हुई चीज़ नहीं दिखाई दे रही है, जबकि उसके पास बैठा हुआ बच्चा ये शिकायत नहीं कर रहा है, आप सस्पेक्ट कर सकते हैं कि उसमें लो विजन या ब्लाइंडनेस हो सकता है, और आप उसको फर्दर रेफरल के लिए डॉक्टर के पास भेज सकते हैं। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि कोई बच्चा जो है आपकी कक्षा में बार बार अपनी आँखों को मसल रहा है, उसकी आँखों से पानी आ रहे हैं, तो सामान्य सा प्रेडिक्शन किया जा सकता है कि बच्चे को आँख से संबंधित कोई समस्या है, उसको रेफरल के लिए भेजा जा सकता है, जहाँ पर कि अप्रोप्रिएट मेडिकल डिवाइसेज के द्वारा उसका जांच किया जा सकता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के दूसरा उदाहरण लेते हैं कि अगर आप देखते हैं कि बच्चा अदरवाइज नॉर्मल है, उसके बावजूद चलते चलते बार बार गिर जा रहा है, बहुत ज़्यादा थकावट की शिकायत कर रहा है, जबकि उसका कोई अपेरेंट रीजन नहीं है, तो उसको फर्दर टेस्टिंग के लिए भेजा जा सकता है, जहाँ पर ये डिटरमाइन होगा कि किस कारण से उसमें ये समस्या है। तो सबसे पहला काम टीचर को इन चीज़ों के बारे में अवेयर रहना है, ताकि वो उनके लक्षणों और उनकी विशेषताओं के आधार पर उनको फर्दर रेफरल के लिए भेजा जा सके, जहाँ पे ये तय होगा कि उसमें इस पार्टिकुलर अक्षमता है या नहीं है, या बच्चा पूरी तरह से नॉर्मल है। इसका मतलब आप ये सुझाव देते हैं कि जो हमारा शिक्षण प्रशिक्षण के जो कार्यक्रम है हमारे देश में या विश्व स्तर पर, तो इसमें इस तरह की चीज़ों को डालना बहुत ज़रूरी है कि अध्यापक जो है उसको इतना कम से कम सामान्य ज्ञान हो कि किसी भी तरह की समस्या बच्चे के किसी शरीर के अंग में हो, चाहे दृष्टि के में हो, श्रवण में हो, बोलने में हो, चलने में हो, और उसको उसी वक्त उसकी पहचान कर पाए और ये समझ पाए कि यहाँ पर समस्या किस तरह की आ रही है,
और जिससे उसको जल्दी ही पहचान करके उसको समुचित उसके लिए चिकित्सा की व्यवस्था करे और उसके लिए शैक्षणिक व्यवस्था का भी प्रयोजन करे, ये सब बहुत ज़रूरी है। हाँ सर, जैसा कि आपने बताया कि एक शिक्षक को जागरूक होना चाहिए, एक शिक्षक को पता होना चाहिए कि हमारे देश में जैसे एक बच्चा आता है मान लीजिए और वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहता है, वो बताता है कि मुझे ये पार्टिकुलर अक्षमता है, तो एक टीचर को ये तय तो करना होगा कि इसकी जो अक्षमता है उसमें इसकी एलिजिबिलिटी है भी या नहीं है स्कॉलरशिप के लिए। अगर उस अक्षमता को हमारे देश में कानून की श्रेणी में अक्षमता की श्रेणी में नहीं रखा गया, उसको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हमारा पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 1995 था, उसमें अधिगम अक्षमता नाम से कोई अक्षमता नहीं वर्णित थी। तो ऐसे में अधिगम अक्षमता युक्त तो जो बालक थे उनको उसका बेनिफिट नहीं मिलता था किसी भी प्रकार का। नए कानून में ये शामिल है, नए वाले कानून में शामिल किया जी, अधिगम अक्षमता शामिल है। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ें सर, थोड़ी तेज़ी से, कि अगर दृष्टि क्षेत्र 10 डिग्री से 40 डिग्री के बीच हो तो वो लो विजन का केस होता है, 10 डिग्री से कम तो ब्लाइंडनेस का केस होता है। इसके बाद अगर श्रवण बाधिता की बात करें तो हमारा कानून जो है उसको परिभाषित करता है, दो श्रेणियों में बांटा है कि अगर 70 डेसिबल से ज़्यादा की श्रवण क्षति हो तो वो बधिरता में आएगा, और अगर 60 से 70 डेसिबल तक दोनों कानों में क्षति हो तो वह हार्ड ऑफ हियरिंग, श्रवण कठिनाई के रूप में जाना जाएगा। इसके अलावा वाणी एवं भाषा निःशक्तता रखी गई है, जिसका तात्पर्य है किसी भी समस्या के चलते, चाहे वो एफेजिया हो, चाहे वो लैरिंजेक्टोमी हो, इन स्थितियों से उत्पन्न कोई अस्थायी डिसेबिलिटी से है जो कि तंत्रिका तंत्र के दो संबंधी कारणों या वाणी व भाषा के एक या अधिक अवयवों को प्रभावित करता है। कोई भी ऐसा कारण जो हमारे वाणी एवं भाषा के एकाधिक अवयवों को अस्थायी रूप से प्रभावित करता है तो उसको वाणी विकार में रखा गया है। इसके बाद अगली श्रेणी में जो है बौद्धिक क्षमता में कमी, महत्वपूर्ण कमी, और व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार में महत्वपूर्ण कमी जो कि उसके दैनिक सामाजिक और प्रायोगिक कौशलों में दिखाई पड़ता हो, परिलक्षित होता हो, तो उसको बौद्धिक अक्षमता मानेंगे। बौद्धिक अक्षमता की ही श्रेणी में विशिष्ट अधिगम अक्षमता है, जिसमें कि डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया, बोलने संबंधी अधिगम अक्षमता, लिखने संबंधी अधिगम अक्षमता, गणितीय अधिगम अक्षमता, ये सारे आते हैं, इनको रखा गया है। और इसमें जो है तीसरी कैटेगरी है वो स्वलिनता की, ऑटिज्म की है, जिसमें कि बच्चा अपने आप में खोया रहता है, रिपीटेटिव बिहेवियर करता है, एक ही एक्टिविटी जो कर रहा है वो किए जा रहा है, और उसमें आपसी संबंध बनाने की क्षमता की कमी और संप्रेषण की कमी पाई जाती है, ये स्वलिनता के कुछ विशेषताएँ हैं। हमारा जो PWD एक्ट 2016 है वो मानसिक रोग का तात्पर्य सोचने, मूड, प्रत्यक्षण, ओरिएंटेशन अथवा स्मृति से संबंधित गंभीर विकारों को भी क्षमता की श्रेणी में रखता है, जो कि व्यक्ति की निर्णय क्षमता, व्यवहार, वास्तविकता को समझने और उस पर विचार करने की क्षमता को प्रभावित करता है, इम्पेयर करता है और सीमित कर देता है। इसके बाद जो तीन नए हमारे इसमें शामिल किए गए हैं, गंभीर अस्नायविक स्थिति, गंभीर जो है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, उनमें से है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमारे जो रीढ़ की हड्डी है और मस्तिष्क के जो एक्सॉन्स हैं जिनके थ्रू आपस में ये कम्युनिकेट करते हैं, उनके ऊपर माइलिन सीथ की एक परत होती है जिसके थ्रू वो अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, वो माइलिन सीथ किसी भी कारण से क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद जिस पार्टिकुलर भाग की माइलिन सीथ क्षतिग्रस्त होती है, शरीर का वो अंग विशेष काम करना बंद कर देता है। इस कंडीशन को मल्टीपल स्क्लेरोसिस कहा गया है और इसको क्षमता की श्रेणी में रखा गया है। इसके अलावा पार्किंसन डिजीज को भी कई बार आपने कुछ बुजुर्ग लोगों को देखा होगा जिनके हाथ पाँव काँपते रहते हैं, तो पार्किंसन डिजीज को भी अक्षमता की श्रेणी में रखा गया है, जो कि मुख्यतः न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसके अलावा तीन रक्त विकार शामिल किए गए हैं, इन पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लें। उसमें एक जो है वो रक्त विकार हीमोफीलिया है। हीमोफीलिया में मुख्यतः जो हमारे पुरुषों को प्रभावित करता है और महिलाएं जो है इसकी कैरियर होती हैं, मतलब महिलाओं में ये बीमारी मैनिफेस्ट तो नहीं होती है लेकिन वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इसको ट्रांसफ़र कर सकती हैं, ट्रांसफ़र हो सकता है, अधिकांशतः पुरुषों को होता है ये, और इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता। तो ऐसे में एक छोटा सा भी घाव अगर हो जाए तो उस
के कारण सीवियर ब्लीडिंग होगी और आदमी की मृत्यु तक हो सकती है, इसलिए इसको भी हीमोफीलिया को भी इस बार अक्षमता की श्रेणी में रखा गया है। थैलेसीमिया का तात्पर्य उन वंशानुगत या जेनेटिक डिसऑर्डर्स से है जिनकी विशेषता हीमोग्लोबिन की कमी या अनुपस्थिति है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, जो साथ अटैच तस्वीर है उसमें आप देखें कि नॉर्मल जो रेड ब्लड सेल होते हैं वो छोटे साइज बड़े साइज के होते हैं और डिस्क के साइज के होते हैं, जबकि थैलेसीमिया के बच्चों में उनका जो आकार है वो एबनॉर्मल हो जाता है। अगला जो है वो रक्त विकार, वो है सिकल सेल डिजीज। इसमें जो हीमोग्लोबिन्स हैं वो हंसिए के आकार के हो जाते हैं और आप चित्र में देखें आपको अंतर स्पष्ट होगा। और फाइनली ये सारे रक्त विकार जो है अनावश्यक थकान, अनावश्यक रूप से शारीरिक क्रियाओं के ह्रास और एक आदमी की कार्य क्षमता में महत्वपूर्ण कमी के रूप में सामने आते हैं, अतः इन्हें क्षमता की श्रेणी में रखा गया है। हाँ डॉक्टर क्लेश, बहुत स्पष्ट शब्दों में बहुत विस्तार में आपने हमें बताया कि जो भी शारीरिक अक्षमताएं हैं उनको किस किस श्रेणी में रखा जाता है, और आपने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मानकों की भी बात की कि उन मानकों के आधार पर किस तरह से हम किसी बालक या बालिका को की अक्षमताओं का निर्धारण कर सकते हैं और किस तरह से उनके लिए हम सुविधाओं की भी व्यवस्था कर सकते हैं, आगे चल के चिकित्सा के लिए उनके माता पिता को कैसे सूचित कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षक जो है एक बालक के व्यवहार को देखता है कक्षा में और वहाँ से उसको ये इस तरह का आभास हो सकता है, हो सकता है उसके परिवार वालों उसको इस पर ज़्यादा ध्यान ना दिया हो, लेकिन बहुत ज़रूरी है। शिक्षक का एक बहुत महत्वपूर्ण ये उसका एक योगदान होगा कि वो, और इसीलिए ये जो NIOS के प्रशिक्षण सरकार कार्यक्रम में इस चीज़ को हमने अपने पाठ्यक्रम में रखा हुआ है कि एक शिक्षक जो है वो खासकर प्राथमिक शिक्षक जो है वो इस चीज़ का ध्यान रखे कि जो बालक और बालिकाओं के जो व्यवहार हैं, कहीं अगर उनके अंदर कोई शारीरिक अक्षमता आ रही है और कोई शारीरिक अक्षमता है तो उसका वो समुचित उसकी व्यवस्था की जाए चिकित्सा की और उसके उपचार की, और जिससे कि वो एक सामान्य बालकों के स्तर पर आने का प्रयास किया जाए। डॉक्टर क्लेश बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने बहुत विस्तार में चर्चा की और ये बताया कि दृष्टिबाधित श्रवणबाधित जो इतनी भी श्रेणियाँ हैं उसमें किस तरह से एक शिक्षक अपना योगदान दे सकता है और उसके लिए क्या क्या हमारे मानक हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर क्लेश, नमस्कार। धन्यवाद सर, नमस्कार। सभी श्रोताओं को भी नमस्कार। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। धन साधन समय की सीमा से कभी पढ़े हम कहीं पढ़े वे विषय के लोच